दोस्तों, आप हमेशा मुस्कुराइए, हंसिए, खिलखिलाइए, खेलिए, कूदिए, खूब खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। लोग आपको ही पागल समझेंगे, मेरी बात का क्या जाता है। भाइयों, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। अगर लड़कियां दुबली पतली हों तो स्लिम एंड सेक्सी ब्यूटी क्या फिगर है, अगर हम लड़के दुबले पतले हों तो कुपोषण का शिकार। नो 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 नो, नाइंसाफ़ी होती है दोस्तों। कल मैं गया था पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने। वहां देखा जो भी पेट्रोल डलवाने आ रहे थे अपनी अपनी बीबी के साथ, कोई अपनी बीवी को लेकर आ रहा था, कोई अपने परिवार को लेकर आ रहा था। देखा सब अपनी बीवी को दूर उतार के जाके पेट्रोल डलवा रहे थे। मैंने एक भाई से पूछा, भाई परिवार को बीवी को दूर उतार के क्यों पेट्रोल डलवा रहे हो? उसने कहा, ऊपर देखो क्या लिखा है। जब मैं ऊपर देखा तो वहाँ पे लिखा था, आग लगाने वाले चीज को दूर रख कर आए। क्या बात दोस्तों, क्या हो गया? मैंने कहा यार अजीब बात है दोस्तों। गुटखा पे लिखा रहता है खतरा, तंबाकू पे लिखा रहता है डेंजर खतरा, इस पे बहुत बड़ा खतरा है, ये जानलेवा है, फिर भी हमारे देश के लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, समझ रहे हैं? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। दोस्तों, मेरा भी बचपन से एक सपना था कि पायलट बनने का, जहाज उड़ाऊंगा, लेकिन जिंदगी में आज तक अफवाह छोड़ के और कुछ भी नहीं उड़ा पाया। जो शादीशुदा हैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी बीवी से परेशान हैं, आपको उससे दिक्कत है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि वो आपके घर खुद नहीं आई थी, आप ही पूरे गांव वालों को लेकर गए थे उसके घर पे, नागिन डांस करके लेकर आए।